ओ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 15K के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और 15K सब्सक्राइबर जब भी कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम लाइव आने वाले हैं यूट्यूब पे। आप सभी का जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो लाइव पे, हम इजीली क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब आंसर करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लेना, क्योंकि 15K के सब्सक्राइबर के बाद यूट्यूब पे मैं लाइव आने वाला हूँ। जो लाइव वीडियो है वो Q&A वीडियो होगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सभी जो स्टेटस है स्टेटस फुल HD वीडियो में आपको मिल जाएगा, HD क्वालिटी में मिल जाएगा। और इमेजेस है HD क्वालिटी में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। डिस्क्रिप्शन पे आपको सभी मटेरियल का लिंक इजीली मिल जाएगा। जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा सभी मटेरियल का लिंक आपको इजीली मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मजा आया। वंस मोर आई वॉन्ट एटीट्यूड। आपको डिस्क्रिप्शन पे दो XML मिलेगा, दोनों XML को एलाइट मिशन में इंपोर्ट कर लेना है। XML को एलाइट मिशन में इंपोर्ट करने के बाद अगर एलाइट मिशन शो नहीं कर रहा है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल पे पिन क्या हुआ ये वाला एलाइट मिशन ऐप आपको मिल जाएगा। सिंपल से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको दोनों XML को एलाइट मिशन में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद प्रोजेक्ट पे जाना है। जो बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो सॉन्ग है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि XML पे सॉन्ग नहीं रहता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, डिस्क्रिप्शन पर आपको सॉन्ग का लिंक मिलेगा। या तो डायरेक्ट सॉन्ग होगा या तो वीडियो होगा। अगर वीडियो हुआ तो आपको यहाँ पे वीडियो ऐड करना है। वीडियो को ऐड करने के बाद ऊपर राइट पे आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो दिखाई देगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर देंगे तो साउंड है वो आ जाएगा, मतलब ऑडियो ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो वीडियो आपने ऐड किया उसको सिंपल से डिलीट कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप ऑडियो ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो PNG दिखाई दे रहा है, ये जो इमोजी दिखाई दे रही है आपको XML पे दिखाई नहीं देगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, चेक जरूर करना। आप ये सब इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिटमार्क पे आ जाना है। बिटमार्क पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है। और जो भी मैं इमेजेस ऐड करूँगा सभी इमेजेस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है। मूवमेंट ट्रांसफॉर्म है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेज ऐड करना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है। मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आके इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इमेज को सेंटर पे एडजस्ट कर देना, बैक आना है। नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। इसी तरह आपको बिट मार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा इमेजेस है, तो यहाँ पे मैं अगर सब कुछ इमेज ऐड करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आधा करके दिखाऊंगा, बाकी आप कर लेना, क्योंकि फुल अगर मैं यहाँ पे इमेज ऐड करने जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो और आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, बिट मार्क के हिसाब से आपको पूरा एंडिंग तक इस तरीके से आप देख सकते हो इमेज को ऐड कर लेना है बिट मार्क के हिसाब से। कैसे ऐड करते हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिट मार्क पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर लेना है, मूवमेंट टास्क में मैंने सेंटर पे एडजस्ट करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। इसी तरह आपको बिट मार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। सभी इमेजेस को ऐड कर लेने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद जो शेक इफेक्ट है, शेक इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको इफेक्ट वन, इफेक्ट टू और इफेक्ट थ्री दिखाई दे रहा है और आपको 2 CC दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इफेक्ट 3 है इस पर क्लिक करना है। इफेक्ट्स पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है। बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करके फर्स्ट बिट मार्क पे आ जाना है। फर्स्ट बिट मार्क जो इमेज है इस पर आपको जो 3rd इफेक्ट है पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट कर देना है। उसके बाद सिंपल से आपको ऐसे बैक आ जाना है, फिर से आपको शेक इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। अभी आपको जो इफेक्ट वन है इस पर क्लिक है, इफेक्ट्स पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है।
बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है। फर्स्ट इमेज पे तो आपने इफेक्ट ऐड कर लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट इमेज पे जाना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ठीक है, ये जो फर्स्ट इफेक्ट है इसको आपको सेकंड इमेज पे पेस्ट करना है, उसका जो नेक्स्ट इमेज है इसको छोड़ देना है। तो आपको क्या करना है, बाकी एक इमेज छोड़ छोड़ के गैप रख के फर्स्ट इफेक्ट पेस्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको नेक्स्ट इमेज पे पेस्ट करना है, नेक्स्ट इमेज गैप छोड़ना है, नेक्स्ट इमेज पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है, उसका नेक्स्ट इमेज छोड़ देना है, मतलब एक इमेज छोड़ छोड़ के आपको जो फर्स्ट इफेक्ट है इसको पेस्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है, जहाँ तक इमेज आपने ऐड किया था कम्प्लीटली एंड तक कर लेना। मैंने यहाँ पे आधा कर रहा है इसे आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा एंड तक आपको कर लेना है। इस तरीके से आपको एक इमेज छोड़ छोड़ के सेकेंड इमेज से आपको फर्स्ट इफेक्ट पेस्ट करना है, एक इमेज छोड़ छोड़ के। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, फिर से आपको शेक इफेक्ट पे जाना है, अभी आपको इफेक्ट टू दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, साथ में आपको दोनों सीसी को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर जो प्लस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है, उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, फिर से एरो पे क्लिक करना है, थर्ड इमेज पे आ जाना है, सेकंड इफेक्ट पेस्ट करना है, इसका नेक्स्ट इमेज जो आपने इफेक्ट पेस्ट किया था इसको छोड़ देना है, फिर से आपको नेक्स्ट इमेज पे जाना है, इफेक्ट पेस्ट करना है। इस तरीके से आपको पूरा एंडिंग तक कर लेना है, एक इमेज छोड़ छोड़ के। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है, इस तरीके से कंप्लीट कर लेने के बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो सीसी है इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फुल एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और यह जो इमेज है आपको पूरा एंडिंग तक कंप्लीट कर लेना है, और इफेक्ट भी एंडिंग तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो एक लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।